से 20 किलोमीटर के आसपास, तो वो सही है। हाय चल रहा था, मैंने कहा हाय फाय हम भी कर देते, हमें क्या दिक्कत है। वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। बस यहाँ पर खड़ी है मेरी ब्लैक पैंथर, संडे राइड पर आ गए हैं। 30 डेज वीडियो का चैलेंज चल रहा है, यहाँ घूम 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 हो रही है, काफ़ी सारे लाइनअप लगे हैं और हमारे कुछ भाई बंधु खड़े हैं यहाँ पे। स्टोपी ये देखो कितने यहाँ पे खिलाड़ी है अलग अलग तरह। ओ ड्रिफ्ट, वाह ये देखना एक विली आएगी अभी। ए स्टोपी कोई बात नहीं, अब थोड़े शांत हो गए ना, थोड़ा ज़्यादा ही वार्म अप हो गया उनका। तो यहाँ पर भाई से मिलते हैं, क्या हाल है भाई? बढ़िया भाई, ने KTM ली है सेकेंड हैंड, बट हाँ नई कंडीशन में बिल्कुल अच्छी लग रही है, कॉन्ग्रेचुलेशन भाई को। और ये हमारे बाबा जी भैया, क्या हाल है बाबा जी ब्रो, आफ्टर लॉन्ग टाइम के साथ। चलो यार राइड करते हैं। आज की राइड हमारी कहाँ की है यार, कहाँ की राइड है? अमेरिका की। चलो वीज़ा वगैरह पासपोर्ट लाए हो ना? पूरा वीज़ा पासपोर्ट लेके आए हो ना? पूरा पासपोर्ट और वीज़ा लाए हो ना अमेरिका के लिए? हाँ लेके आया हूँ कनाडा को। चलो बढ़िया फिर। और ओ विक्रम पाजी, और पाजी क्या हाल है? बढ़िया बढ़िया। कार कहाँ से उठा लाई है वाली? अरे ज़बरदस्त लग रही है वो, देखो अलग ही। होंडा सिटी है। और विक्रम बाजी क्या हाल है? और बढ़िया भाई, हैशटैग बढ़िया। बस बढ़िया बढ़िया। बाकी कहाँ है अपने? वाह अलग ही लग रही है, देखो वो लाइट नीचे लटक गई है, वो वाली भाई की लाइट लटक गई है, बोल के आना चाहिए है ना। और ब्रो क्या हाल है? बढ़िया। आफ्टर लॉन्ग टाइम के बाद मैंने भाई को देखा, बीच में एक संडे मिस हो गया, बट कोई बात नहीं। एनीवेज सो थोड़ा सा इसको कैप्चर कर लेते हैं, नीचे लाइट लटक गई है भाई की, थोड़ा सा भाई को बता देंगे। और फुल मॉडिफिकेशन करवा रखी है, किट वगैरह लगा रखी है, हैं देख रहे हो कितनी ज़बरदस्त लग रही है। भाई का इंस्टाग्राम चैनल भी है, स्पॉइलर लगा रखा है। हाँ पुरानी वाली होंडा सिविक है ये, नाइस है यार बढ़िया। इतनी मॉडिफिकेशन खाली संडे राइड पे चल सकती है, अगर वैसे नॉर्मल निकाल लेगा तो पक्का इसका चलान डन है, या तो ये सीज हो जाएगी या चलान हो जाएगा बहुत मोटा कि इसको छुड़वाना मुश्किल हो जाएगा। एनीवेज आज की जो हमारी राइड है वो है एक मन्नत अपना रेस्टोरेंट है उसकी, तो अभी के लिए यहाँ से थोड़ी देर में मूव ऑन करेंगे। नई वाली KTM 390 अलग ही दिख रही है, अवांसी नहीं, सही है यार। तो चलिए यहाँ से थोड़ी देर में निकलेंगे, उसके बाद मिलते हैं आप लोगों से। बताओ क्या हाल है भाई? बढ़िया। क्या नाम है आपका? कैसे हो ब्रदर? किससे राइड कर रहे हो? हाँ अब आ जाओ भाई आप। सो ये भाई इस बाइक से राइड कर रहे हैं, इस बाइक का नाम तो कुछ अलग मैं भूल गया, थोड़ा सा देखा हुआ लग रहा है मुझे, होंडा शाइन आई थिंक सो। हाँ इट्स एडवेंचर के नाम से भाई का चैनल है, सब्सक्राइब कर लेना। चलने का टाइम हो चुका था और यहाँ पर थोड़ा सा वार्म अप चल रहा है बाइकों का, देख रहे हो आप लोग। ये पहले भी आ चुका है लड़का, छोटा सा जो है इसको दिखता नहीं है, बट हाँ ये बाइकों के के लिए। हटाइए हटाइए, हाईवे वाले हैं ये, ट्रैफिक पुलिस वाले तो नहीं है, हाईवे खाली कराने के लिए आए हैं, बट किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा सही बताओ तो, इनके सायरन और इनके स्पीकर से। बट हाँ कोई बात नहीं यार, थोड़ा आगे पीछे हो जाते हैं,
अब लग रहा है एक्चुअल में पीछे से कोई पुलिस आ रही है। अब वो देखो ट्रैफिक पुलिस वाला खड़ा हुआ। चलो यार धीरे धीरे मूव करना शुरू करते हैं क्योंकि फायदा नहीं है बेफजूल में यहाँ पर कोई सीन क्रिएट हो जाए। अरे चल रहे हैं मेरे भाई, अब सारा हॉर्न यहीं बजाएगा। हम तो कोई स्टंटिंग भी नहीं कर रहे हैं फिर भी हटा रहा मेरे भाई। मजे लो, मजे ले लेकर के चलने वाले बंदे हैं हम तो भाई। राइफल दिखा के आज लुटिए। फाइनली हमें निकलना ही पड़ा भाई यहाँ से क्योंकि काफ़ी ज़्यादा टाइम हमारा यहाँ ज़ाया हो रहा था। देख लो भाई 30 डेज़ का चैलेंज लिया मैंने और यार व्यूज़ घटते जा रहे हैं यार। प्लीज़ यार ऐसा मत करो यार, यूट्यूब चैनल पे मैं थोड़ा सा आगे पीछे हो गया तो आप लोगों ने वीडियो देखना ही बंद कर दिया मेरा। ऐसा ना करो यार इस तरीके की मेरे साथ यार, वो मत करो यार कि थोड़ा सा ओए होंडा इसका नाम भूल गया मैं, विंग करके कुछ था यार, एडवेंचर करके था, ट्विन करके ऐसा कुछ। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर अब राइडर मेरे से बहुत ज़्यादा आगे जा चुके हैं और मैं 60-70 पे क्रूज़ कर रहा हूँ, वो कम से कम 80-90 पे क्रूज़ कर रहे हैं। तो सबसे आगे सब चल रहे हैं और सबसे पीछे आज मैं चल रहा हूँ। बट कोई बात नहीं यार, धीरे चलने का भी अपना ही मज़ा है। एनीवेज ओ कट देख रहे हो कैसे मारा गाड़ी वाले ने, मरने वाले काम है इसके। ये ड्राइवर जो होते हैं ना सवेरे जो ऐसे कट मार देते हैं, इसके चपेटे में बाइक वाले आ जाते हैं। क्या बोले यार, चलिए लेट्स सी, धीरे धीरे चल ही रहे हैं सीधा सीधा। सारे ग्रुप के मेंबर्स मेरे लिए वेट कर रहे थे, मैं 60-65 पे क्रूज़ करता हुआ धीरे धीरे आ रहा था। तो ऑलरेडी सब वेट करके अब निकले हैं मेरा, फिर आगे जाएंगे फिर वेट करेंगे क्योंकि मैं 70 से ऊपर को मैं भगा नहीं रहा यार। रेस्क रहता है यार जो मर्जी कह लो, पुरानी चीज़ अब एक बार इंजन खोल के दोबारा रीबिल्ड हो जाए ना तो वो नई जैसी बात नहीं आती है। इस चक्कर में इसको भी थोड़ा स्लो ही चला रहा हूँ। क्रूज़ करना अपना अलग ही उसका मौका है, उसका अलग ही मज़ा है क्रूज़ करने का धीरे धीरे का। तो अपन धीरे धीरे क्रूज़ करते हुए अपने लोकेशन पर पहुँचेंगे एंड देन आप लोगों को इन्जॉय करवाएंगे। चलिए थोड़ा सा स्ट्रेच लेकर के देखते हैं, थोड़ा सा ज़्यादा नहीं क्योंकि लंबा स्ट्रेच इसके लिए मेरे को भी थोड़ा कॉन्फिडेंस नहीं है। चलिए ओके 82, 83, 85, 86, 87, 88, 90 91, 94, 95 बस इतना बहुत है आज के लिए, इतना बहुत है। आज बहुत स्ट्रेच ले लिया यार, बहुत स्ट्रेच खेच दिया मैंने इसको, इससे ज़्यादा नहीं यार, मेरे में इतना स्टेमिना नहीं है कि इसको अब रीबिल्ड होने के बाद इतना ज़्यादा खेच सकूँ। 95 खेच लिया है और नॉन स्टॉप भी नहीं लंबा खेच सकता, दो ही चलेंगे। हम लोग पहुँच चुके हैं मानेसर के पास, ब्रेक बहुत ज़्यादा लग रही हैं और अभी के लिए यहाँ से अप्रोक्स ज़्यादा नहीं रह गया, करीब रह गया होगा 15-20 किलोमीटर के आसपास। तो वो सही है, हाय चल रहा था, मैंने कहा हाय फाय हम भी कर देते, हमें क्या दिक्कत है। सो यहाँ से अभी हमारा रह गया 10-15 किलोमीटर, आगे आने का इंडिकेशन मिल गया। ओके
काफ़ी स्लो चल रहा हूँ मैं, थोड़ा सा इंडिकेशन आया कि फास्ट भगाई जाए। फाइनली पहुँच चुके हैं, ये है हाईवे पर हरियाणा में मन्नत ढाबा। भाई ढाबे क्रॉस कर कर के ना हमने पता नहीं कितनी मन्नतें और कितने ही जन्नत सारे हमने ढाबे कवर कर लिए हैं। अब यहाँ पर कुछ राइडर्स मिसिंग हो चुके हैं पीछे, उनका वेट कर रहे हैं, फिर अंदर चलते हैं। इस लोकेशन को लिव करने का, तो फाइनली इस लोकेशन को छोड़ने का अब टाइम आ चुका है। हम लोग जा रहे हैं वापस घर। ओके, पराठे खा लिए, चाय पी ली, कोल्ड ड्रिंक पी ली, दैट्स इट। इससे ज़्यादा कोई स्टैमिना मेरे में रह नहीं गया है बात बूत करने का। घर जाएंगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए गुड बाय, स्टे ट्यून, हेलमेट लगाइए और इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो कर लीजिए। गुड बाय।